हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने ब्लॉक डायग्राम से फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप समझाया था और फिर डी फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम बनाई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको उसके जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो पूरी वर्किंग होती है फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप की, उसके ऊपर थोड़ा उसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम टू केसेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डी वन के साथ और डी जो ज़ीरो के साथ, मतलब कि डी है जब हमारा हाई होता है और डी हमारा जब लो होता है उसके साथ। ठीक है, उसके पहले ये इसकी सर्कल डायग्राम है जो उसके अंदर होती है, ब्लॉक डायग्राम हम शो करते हैं जो। ठीक है, ये उसकी सर्कल डायग्राम है। इसमें हमारे पास, ठीक है, दो नैंड गेट होते हैं, ठीक है, दो नॉर गेट होते हैं। ठीक है, ये हमारी इनपुट है, ठीक है, वन या ज़ीरो होगी और ये हमारी क्यू आउटपुट है और ये जो क्यू बार है ये क्यू का बिल्कुल जो भी हमारे इस पर अगर वन होगा तो इस पे ज़ीरो होगा। ठीक है, इस पे अगर ज़ीरो होगा तो इस पे वन होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक है, इसको जी वन कहेंगे इस गेट को, इसको जी टू कहेंगे, जी थ्री और ये जी फोर, ये दोनों गेट्स जो हैं, ठीक है, जी वन एंड जी टू, इसको स्टीयरिंग गेट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इतना लैच है ना। ठीक है, अगर आपने लैच पढ़े हैं तो उस पर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने लैच पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये इतना जो है जी थ्री और जी फोर का ये इतना पोर्शन जो है, ठीक है, ये हमारे लैच का होता है। ठीक है, इज इक्वल टू लैच है। ठीक है, बिल्कुल लैच की तरह है। ठीक है, और ये जो हमारा रिमेनिंग है इनको स्टीयरिंग, इन दो गेट्स को स्टीयरिंग गेट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, और हमने क्लॉक का जब पॉजिटिव एज जो आएगा तो हमारी जो यहाँ पे इनपुट होगी, ठीक है, से इट्स वन, ठीक है, वो हमारी क्यू पे जो है आउटपुट पे वो जाएगी जब इसका क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा। ठीक है, तो ये कैसे इस तरह सर्कल होगा, ये इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी जब भी ये एज आएगा ना, पॉजिटिव एज आएगा, ठीक है, जो भी सेंसिटिव एज सेंसिटिव हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा, अगर पॉजिटिव एज सेंसिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव एज सेंसिटिव पॉजिटिव एज पे, ठीक है, अगर नेगेटिव एज सेंसिटिव होगा तो नेगेटिव एज पे, लेकिन हम ये पॉजिटिव एज के साथ ही फ्लिप फ्लॉप को पूरा करेंगे। ठीक है, जब भी ये इसका पॉजिटिव एज आएगा तो जो भी ये जो आउटपुट है क्यू, ठीक है ना, ये फॉलो करेगी, ठीक है, इनपुट को डी को। ठीक है, जब भी इसका पॉजिटिव एज आएगा, ठीक है, हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो पॉजिटिव एज सेंसिटिव है। ठीक है, अब ये बात कंफर्म है। ठीक है, तो जब भी ये पॉजिटिव एज जाएगा तो जो भी डी पे इनपुट होगी वही डायरेक्ट क्यू पे जाएगी। ठीक है, अगर ये वन है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव एज जाने पे यहाँ पे वन होगा। अगर ये ज़ीरो है, जब पॉजिटिव एज आएगा तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी क्यू। ठीक है, और इसका अपोजिट ही यहाँ होगा, लेकिन ये सारा सर्कल जो कैसे होगा, ठीक है, इसको देखना है हमने। आपने एक बात ये जहन में रखनी है कि जो भी इनपुट होगी डी की, ठीक है, लेट्स से इट्स वन, ठीक है, जब भी पॉजिटिव एज जाएगा, ठीक है, वो क्यू पे चली जाएगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने जहन में इतना रखना है कि अगर हमारा डी वन है तो इसका मतलब हमारा क्यू वन है। ठीक है, उस तब जब यहाँ पर पॉजिटिव एज जाएगा। ठीक है, चलें अब चलते हैं, देखते हैं। और ये हमारा है ट्रांजिशन सेंटर है। ठीक है, इसको हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसको आपने नहीं छेड़ना, अभी हम इसकी सिर्फ ये वर्किंग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वन है तो यहाँ पे हमारा वन जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यही वन जो है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया। ठीक है, ये इसको जो है रिवर्स कर देगा तो यहाँ पर ज़ीरो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ज़ीरो हो जाएगा ना, ये सर्कल लगा हुआ है। इन्वर्टर का वैसे भी यही काम होता है। ठीक है, जो भी इनपुट उसको देते हैं आउटपुट उसके अपोजिट होती है, तो यहाँ पे उसका ज़ीरो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लॉक आया, क्लॉक आया। अब यहाँ से क्लॉक और इस क्लॉक में मैंने छोटा क्यों किया ये भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये क्लॉक ने हाई इस स्पाइक दी। ठीक है, पॉजिटिव स्पाइक जब दी यहाँ पर, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये इसकी आउटपुट जो है ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये वन है और ये वन है। ठीक है, तो ये वन वन जो है हमारे एंड गेट में उसकी आउटपुट वन होती है, लेकिन ये नैंड है। ठीक है, इस नैंड में इसका मतलब है कि वन वन है तो ये ज़ीरो इसकी आउटपुट होगी, ज़ीरो कर दिया। अब यही ज़ीरो यहाँ पे जाएगा,
ठीक है। अब हमें एक और बात जहन में रखनी है कि अगर डी वन है तो हमें पता है हमारी क्यू वन है, जो हमारा क्यू है वो वन है। अगर हमारा डी वन है तो इसका मतलब है हमारा क्यू वन है। उसके बाद ये जीरो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं, अब यही स्पाइक जो है यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये वन हो गया, ये जीरो हो गए, तो ये जीरो होगा, ठीक है। एंड गेट पे इसकी जो है आउटपुट वो जीरो होगी, लेकिन ये नैंड गेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, ये वन हो गया, ये वन यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर आएगा कि जैसा हम जानते हैं हमारा जो क्यू है, ठीक है, वो वन है, क्यू वन है, ठीक है। यही आउटपुट जो है वो कपल्ड है इस नॉर गेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। नॉर गेट पे वन है, ठीक है। तो ये ज़ीरो कर देगा इसको, ये जो हमने सर्कल लगाए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों जो इनपुट्स हैं उनको ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो ज़ीरो जो नॉर गेट में होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्यू जो डैश है वो ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये इनको ज़ीरो कर देगा, तो और गेट है, ठीक है। इसके बाद तो वो जो है ज़ीरो ज़ीरो की जो और गेट में होती है आंसर जो होता है, ज़ीरो गेट का आउटपुट होती है, ठीक है, वो होती है जनाब ज़ीरो ही होती है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें प्लस का होता है ना, ए प्लस बी इनपुट्स का जो है प्लस जाता है आउटपुट पे, ठीक है। अब देखें ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये कपल्ड है हमारे इसके साथ, ठीक है। ये जो ज़ीरो है ये वापस यहाँ से कपल्ड है इसके साथ, ठीक है, जी थ्री के साथ। ये जो सर्कल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये क्या कर देंगे, वन कर देंगे इनपुट को, दोनों इनपुट्स ये ज़ीरो ज़ीरो दोनों वन हो जाएंगी, ठीक है। तो वन प्लस वन, यहाँ पे क्यू जो है हमारा वन ही रहेगा। ये ज़ीरो यहाँ से ये इंश्योर करने के लिए जी थ्री पे जाएगा कि हमारा आउटपुट वे वन ही है, और वो तब तक वन ही रहे जब तक हमारी इनपुट्स चेंज नहीं हो जाती, ठीक है, और नेगेटिव वो हमारे क्लॉक का पॉजिटिव नेक्स्ट एज नहीं आ जाता। ये तब तक हमारी क्यू पे सेम वही इनपुट रहेगी जब तक जो आउटपुट रहेगी जो कि इनपुट पे है। ये टोटल इसका है जब, और ये जो है तब तक हमारा जो है फ्लिप फ्लॉप वो सेट पोजीशन में रहेगा, ठीक है, सेट स्टेट में रहेगा, ठीक है। ठीक है, सेट स्टेट में रहेगा, स्टेट में, ठीक है। और सिमिलरली हम अब इसको सॉल्व करते हैं जब हमारा डी जो है, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारा डी ज़ीरो होगा, ठीक है, एक बात तो आप इंश्योर कर लें कि जब डी ज़ीरो है और इधर से क्लॉक का पॉजिटिव एज आया तो हमारा जो क्यू है, ठीक है, ये ज़ीरो है, ठीक है। हमारा क्यू जो है ये ज़ीरो है जब हमारा क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा, क्योंकि हमारा डी ज़ीरो है, ठीक है। अब बाकी का इसका सर्कल कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जब हमारा डी ज़ीरो है, ठीक है, डी ज़ीरो है, यहाँ से क्लॉक का एज आया, ये ज़ीरो, यहाँ पे ये वन है, ये वन एंड वन ज़ीरो है लेकिन यहाँ पे वन है, ठीक है। क्योंकि एंड गेट में जो अगर एक भी आउटपुट ज़ीरो होती है तो इनपुट ज़ीरो होती है तो आउटपुट ज़ीरो होती है, लेकिन नैंड गेट में उसका अपोजिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे वन है, ठीक है। अब यही ज़ीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये इसको वन कर देगा, और ये भी यहाँ पे वन है, ठीक है। मतलब कि क्लॉक एज आया ना, तो ये नहीं है कि क्लॉक एज को इसको वन मान लेंगे, लेकिन ये एज अ वन एग्जिस्ट करेगा कि वो जो है एक्ट करेगा, तो इसको मतलब कि स्पाइक देगा, वो भी हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो वन है, वन एंड वन यहाँ पे ये है कि वन होता है एंड गेट में, लेकिन यहाँ पे ये ज़ीरो है क्योंकि ये नैंड गेट है, ठीक है, उसका अपोजिट है, यही ज़ीरो यहाँ पे जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि डी को, डी जब तक ज़ीरो है हमें पता है क्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि डी ने जो क्यू ने डी को फॉलो करना है जब भी क्लॉक का एज जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ज़ीरो जो है इसके साथ कपल्ड है तो ये भी ज़ीरो है, ठीक है। ये ज़ीरो है तो ये जो है बबल जो है इसको वन कर देंगे, ठीक है, और तो ये जो इसका है आंसर वो वन आएगा, ठीक है। तो क्यू आउटपुट
जो है वो क्यू डैश बार जो है वो वन हो गई, क्यू जो जीरो है क्यू बार वन है, ठीक है। लेकिन अब देखें ये वाला जो वन है, ठीक है, ये क्यू बार की जो है आउटपुट क्यू बार की जो वैल्यू है वो कपल्ड है यहाँ, ठीक है, और ये वाला वन जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये बबल जो है इसको कर देंगे दोनों को ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो और गेट में जो है वो ज़ीरो होता है, और ये वन है ये इसके साथ इसलिए कपल्ड है कि ये इंश्योर करे कि क्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, और वो तब तक वही रहेगा जब तक नेक्स्ट एज नहीं आ जाता, क्लॉक का ये डी की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती, क्योंकि जब भी क्लॉक का एज आएगा क्यू ने डी को फॉलो करना है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ सिंपल तो नहीं कह सकते लेकिन ये कि अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। ये जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, ठीक है, उसकी उसके अंदर ये सारा सिस्टम हो रहा होता है, तो डी फ्लिप फ्लॉप की, तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अब हम इसी में जे के फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होप सो कि ज़रूर ना पड़े आप लोगों को इसी से समझ आ जाए कि उस जे के फ्लिप फ्लॉप की भी जो है ब्लॉक डायग्राम से भी उसकी ये भी समझ आ जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा उसकी भी ये सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करती है, ठीक है, उस पर भी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। उससे जे के फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये मैं पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर जो होता है, ठीक है, ये इसका नाम है, उसका फंक्शन थोड़ा डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप पे, ठीक है। इसमें ना ये होता है कि इसमें जो क्लॉक पल्स है देखें ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर में भी देखें ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। पल्स कि जो है अगर एज में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन उसकी जो है विड्थ में कह लें कि वो चेंज आएगा, ठीक है। वो चेंज क्यों आएगा, क्योंकि उसने जस्ट एक स्पाइक जो है प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, स्टीयरिंग गियर्स के लिए जस्ट वन स्पाइक उसने प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए इसको लगाया गया है, ठीक है। इसमें यह है कि देखें ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक है, ठीक है, हमारे पास इसका ये जो इनपुट है, ठीक है, यहाँ से इसको इनपुट दी गई है, ठीक है, और इसका यही जो इनपुट है एक नॉर गेट से या आप सॉरी एक इन्वर्टर से, ठीक है, नैंड गेट के साथ अटैच है यही इनपुट, ठीक है। डायरेक्टली भी ये नैंड गेट के साथ अटैच है और एक इन्वर्टर से भी ये नैंड गेट के साथ अटैच है, मतलब एक ही इनपुट, ठीक है, टू टाइप्स से एक ही नैंड गेट के साथ अटैच है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है पहले जाएगी यहाँ इनपुट पे, ठीक है, यहाँ से ये इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्ट होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, एक नैनो सेकंड्स में उसका टाइम जाएगा, ठीक है, वही टाइम वही, ठीक है, उतनी सी जो पल्स है, ठीक है, सिर्फ जो भी यहाँ पे देखे ना ये जो है ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ये पार्ट और उसके बाद फिर उसका ये पार्ट, ठीक है, ये जो ओवरलैप कर रही है, ठीक है, ये वन हो गया समझ लें इसको, ये ज़ीरो है, ठीक है। इसका यही जो पार्ट है ये यहाँ पे वन एंड ज़ीरो जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये लोअर पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जस्ट इतना पार्ट उसका जितना ये ओवरलैप हो रहा है दोनों का, सिर्फ वही जो है आउटपुट पे जाएगा, बाकी जो है वो सारा कट हो जाएगा, बाकी नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये एक और इन्वर्टर लगाया गया है, इसी जो है इसकी जो आउटपुट है उसको वो वापस जो है वो इनपुट वो चेंज कर देगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जो इनपुट पे जो था अगर वन था तो आउटपुट पे भी वन है, लेकिन ये कि उसकी विड्थ जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। जस्ट टेक मतलब पूरे क्लॉक को जस्ट एक स्पाइक में चेंज करने के लिए ये पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर जो है वो लगाया जाता है फ्लिप फ्लॉप्स में। इसका सिर्फ इतना काम है कि इसने जस्ट क्लॉक की एक स्पाइक प्रोड्यूस करनी है और स्टीयरिंग गियर्स को देनी है जी वन को और जी टू को, ठीक है। तो ये लगाया जाता है इनकी कॉमन इनपुट के लिए कि इसने जहाँ भी देनी है एक स्पाइक देनी है, ठीक है, और यहाँ भी देनी है। जब डी वन होगा, ठीक है, तो इसकी स्पाइक पहले यहाँ जाएगी, ठीक है, जब डी ज़ीरो होगा तो ठीक है इसकी आउटपुट को हम काउंट करेंगे पहले। तो बस इसका इतना यही काम है। तो अब जे के फ्लिप फ्लॉप को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, तो देखते हैं वो जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है, ठीक है। अब देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप को। जे के फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिल्कुल, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ सिर्फ एक इनपुट होती है डी की, यहाँ है जे और के की दो जो हैं वो इनपुट्स हैं,
ठीक है, क्लॉक सेम वैसे ही उसी जगह पे दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अगर यहाँ पे बबल होगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, जब क्लॉक का नेगेटिव एज जाएगा तो ही उसकी जो इनपुट्स हैं आउटपुट पर जाएंगी। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप जस्ट इतना। लेकिन इसमें मोस्ट जो है कि समझने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, ये देखें जे के, ठीक है, यहाँ पे क्लॉक का एज जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है, क्यू बार जो है उसका अपोजिट है, उसको अभी हम नहीं लिखते। ठीक है, जे वन होगा, के ज़ीरो लगा लें, ठीक है, क्लॉक का एज आया तो क्यू जो है वो वन हो जाएगा, जे ज़ीरो है, के वन है, क्लॉक का एज आया, क्यू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में इजीली आएगी, लेकिन थोड़ी सी जो आगे समझने की बात है, जब दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, जब दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो ये जो क्यू है अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, ठीक है, क्यू वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब जो लास्ट केस है वो जो है जब दोनों वन हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों वन हो जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉक एज जाया तो क्या होगा, अब ये होगा कि पिछली जिस भी स्टेट से क्यू आ रहा है, ठीक है, अगर वो वन है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, अगर वो ज़ीरो आ रहा है तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं टोगल, ठीक है, टोगल करेगा क्यू, क्यों, जब भी दोनों वन हो जाएंगे जे एंड के, क्यू अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, अगर ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात ये है, अब एक एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं, ठीक है, वेव फॉर्म्स की एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात कि जब तक के जब तक दोनों की स्टेट सेम नहीं है, मतलब कि देखें जे और के की ज़ीरो ज़ीरो नहीं है, वन वन नहीं है, तब तक क्लॉक के एज जाने पे क्यू जे को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर एज जाएगा क्लॉक का, ठीक है, तो क्यू है वो, अगर जे वन है तो क्यू वन है, जे ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो है। जब दोनों की स्टेट सेम है, ठीक है, तब टोटली डिफरेंट स्टेज होगी। जब दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है, तो वो अपनी पिछली स्टेट जो चल रही है ना, वन चल रहा है तो उसी वन ही चलता रहेगा, अगर ज़ीरो चल रहा है तो ज़ीरो ही चलता रहेगा क्यू। ठीक है, जब दोनों वन वन है, ठीक है, तो क्लॉक का एज आएगा, ठीक है, तो वो फ़ौरन अपनी क्यू जो है वो स्टेट चेंज कर लेगा। अगर वन है, ठीक है, पीछे से वन आ रहा था तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो आ रहा था तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब एक एज ए एग्जाम्पल से भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, ये क्लॉक है, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा जे है, ठीक है, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा के है, वन ज़ीरो, ज़ीरो वन, ज़ीरो एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव गोइंग एज है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्टेट उसकी चेंज होनी है, तो देखें ज़रा क्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्यू है, ये क्यू है हमारा। ठीक है, अब ये देखें, ये ज़ीरो है, ये वन है, स्टेट इनकी डिफरेंस है, तो इसका मतलब है क्यू ने फॉलो करना है जे को जब भी क्लॉक एज जाएगा। तो क्या जे ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ तक इसने ज़ीरो ही रहना है। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर भी ये इनकी स्टेट डिफरेंट है, ठीक है, तो वन है, ठीक है, और ये ज़ीरो है तो ये वन हो जाएगा, यहाँ तक वन रहेगा, जे को फॉलो करेगी ना आउटपुट। ठीक है, उसके बाद ये भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, कोई सेम स्टेट्स इनकी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, जो ये है, ठीक है, ये ज़ीरो है, ये वन है, ठीक है, तो ये ज़ीरो होगा यहाँ तक। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, दोनों को वन वन कर देखते हैं। ठीक है, ये भी वन है, ये भी वन है,
तो क्या इसने टोगल करना है, ठीक है। टोगल ऐसे करेगा कि ये देखिए, अब ये पीछे से किस स्टेट में आ रहा है, लो स्टेट में आ रहा है, इसने क्या हो जाना है, इसने हाई हो जाना है, यहाँ तक फिर हाई चलेगा आगे, ठीक है। इसको कहते हैं टोगल करना, जिस स्टेट से पीछे से आ रहा है उसने चेंज कर ली अपनी स्टेट, ठीक है। अगर हाई से आ रहा होता तो लो हो जानी थी, ठीक है। उसके बाद देखें, चले ये हमारा ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो क्या करते हैं, ज़ीरो ज़ीरो में इसने क्या करना था, इसमें स्टेट में कोई चेंज नहीं आनी थी, ठीक है। ये हाई चल रहा है ना, इसने यहाँ तक फिर नेक्स्ट जब एज जाना है ना, वहाँ तक हाई ही चलना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है जनाब, नेक्स्ट में है ये हाई चला, यहाँ इन स्टेट से हमें कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें स्टेट में नहीं चेंज आनी थी, तो आगे इसने यही चलना था, हमने ये स्टेट्स देखी ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये इन स्टेट्स को देखते तो इसने टोगल करना था, क्योंकि दोनों वन वन है, ठीक है। उसके बाद जनाब अब हमारी ये भी वन है, ये भी वन है, तो क्या करेगा, ये फ़ौरन अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, टोगल करेगा, स्टेट चेंज कर ली। उसके बाद अब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लॉक का एज आने तक ये ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये क्लॉक का एज आएगा, तो क्या है, यहाँ पे स्टेट वन है और यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसने जे को फॉलो करना है जब डिफरेंट होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जो भी क्लॉक का एज जाएगा उस एंगल से हमारी ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब बताने का मकसद, समझाने का यही था कि जब तक ये कि जे और के की स्टेट्स डिफरेंट हैं, मतलब कि अगर जे वन है तो के ज़ीरो है, के ज़ीरो है तो जे वन है, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो ये जो क्यू है वो जे को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन जब इनकी स्टेट्स चेंज हो जाती हैं, दोनों ज़ीरो ज़ीरो है, दोनों वन वन हो जाते हैं, तो डिफरेंट हो जाता है केस, ठीक है। केस क्या होता है, डिफरेंट ऐसे होता है कि जब दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है, तो स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जब दोनों वन हैं तो जो पिछले स्टेट थी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। हमने ये नहीं देखना इनपुट में क्या है, हमने जस्ट इतना देखना है कि जो स्टेट है वो पहले क्या थी, बस हमने नेक्स्ट उसको चेंज कर देना है, ठीक है। यही देखे कि इनपुट जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये इतना जेके था। तो अगर आपको इसकी जो है सर्किट डायग्राम, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप की इस वीडियो के स्टार्ट में समझाइए, अगर वो समझनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, तो उस पर वीडियो बन जाएगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।